अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि आयमा चाहती है हसन खजिस्ता से बदला ले और वो हादी से भी कहती है कि जब इंसल्ट हसन की हुई है तो उसे ही फैसला करना चाहिए कि वो खजिस्ता से माफ़ी मंगवा कर उसे माफ़ करता है या फिर खुद ही माफ़ कर देता है। हसन कहता है कि हर चीज़ का बदला है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं उसके थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लूँगा। खजिस्ता हसन की माँ से भी मिलती है और उसे हसन की हरकत के बारे में बताती है। खजिस्ता उसे कहती है कि अगर आप औरत होकर भी मुझे गलत समझती हैं तो फिर मेरी ही गलती होगी, और फिर खजिस्ता हसन से सॉरी कहकर चली जाती है और बाद में रो रही होती है तो हादी आकर उसे चुप करवाता है और रोने की वजह भी पूछता है तो खजिस्ता कहती है कि इसने अपने इलाके को छोड़कर यहाँ आकर गलती कर दी। दाजी और हम रोज़ शांजे के घर वालों की दुश्मनी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो शांजे सुन लेती है और हो सकता है कि वो इन बातों की वजह से दरख्जी को उकसाए कि खजिस्ता को शहर से वापस ले आओ। दरख्जी शहर जाता है और जब हॉस्टल की वार्डन खजिस्ता को जल्दी से नहीं बुलाती तो दरख्जी इससे बदतमीजी करता है और वो गार्ड्स को बुलवा लेती है ताकि दरख्जी को बाहर निकलवा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।